बंधुक देखु प्रायत समस्ते बहुत ही भल थे आउ पढ़ा बहुत ही बेस्ट वे चलो यही भिडियो प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टार एसईसी टू कंप्यूटर को फुल कवरेज करवा तो व्हाट इज कंप्यूटर फुल एक्सप्लेन जदि एमती जो जगह देखा क्वेश्चन सब जिन लिखा पड़ो ठीक अच्छे तो प्लस थ्री फोर्थ सेमिस्टार कंप्यूटर जो रही एसईसी टू कंप्यूटर रही आम ये भिडियो करवा आई भिडर परवर्ती समय मैंने इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस तापर प्राइमरी स्टोरेज सेकेंडरी स्टोरेज आहा जहाँ रही फुल कवरेज करवा तो आमर सर्वप्रथमें यही टाइप भिडियो देखा चाहती तेल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे लाइक भिडियो को लाइक करने भूल शेयर करने भूल लाइक और शेयर करने भूल मैक्सीम रु मैक्सीम कर सर्वप्रथम इनफर्मेसन पाइबा चाहती ताल टेलीग्राम चैनल जेन होडियो तलपटे डेस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक मिल जाव ठीक अच्छे नचे कमेंट सेक्शन रे भी लिंक देदेवि ठीक अच्छे तो आरंभ करवा व्हाट इज कंप्यूटर तो फुल एक्सप्लेन जदि एमती थी तो सब जिनस लिखा पड़ तो कंप्यूटर गोटे कंप्यूटर कहले कौन ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर स्टोर एंड प्रोसेस इट देन फाइनली गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट गोटे कंप्यूटर गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटे कहीं इलेक्ट्रिसिटी द्वारा यहाँ चली था इलेक्ट्रॉनिक द्वारा यहाँ चली था बिना इलेक्ट्रिसिटी रे कंप्यूटर चलो ना तो यहाँ गोटे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटे कंप्यूटर गोटे आउ यूजर थारु यहाँ इनपुट को नहीं था कंप्यूटर आउ सीटा कंप्यूटर स्टोर होता प्रोसेस हुई थे आ प्रोसेस हो सारापुर से रिजल्ट देखे थे आउटपुट आकार से रिजल्ट थे कंप्यूटर तो कौन लिख ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर स्टोर एंड प्रोसेस इट टेक्स फाइनली गिव्स आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिजल्ट तापर एटाए गोटे जिनस मैं रख द टर्म ऑफ इज द टर्म ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूटर आसी अच्छी कंप्यूटर लैटिन वर्ड कंप्यूट रु आसी अच्छी जार अर्थ होची कैलकुलेट बा मैनिपुलेट करिबा एटा को मन रखिबो तो ए जगह रे आ गोटे लाइन लिखि देबो ए जगह रे द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड कंप्यूट व्हिच मीन्स टू कैलकुलेट और टू मैनिपुलेट तापर डेवलपर ऑफ कंप्यूटर इन 1822 अठरश बैस मसीह चार्ल्स बबेज डिफरेंस इंजिन नामक गोटे कंप्यूटर डिजाइन करते आउ यूज कराई पंच एज इनपुट आउटपुट डिवाइस इथिरे यूज होता तो चार्ल्स बबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर बोली कहा जाए तो फादर ऑफ कंप्यूटर क्या कहा जाए क्वेश्चन पचारे तो चार्ल्स बबेज कहीदेव तो इन 1822 चार्ल्स बबेज डिजाइन द इयरली कंप्यूटर कॉल्ड डिफरेंस इंजिन दिस मेसीन यूज पंच एज इनपुट आउटपुट डिवाइस हि इज कॉल्ड एज फादर ऑफ कंप्यूटर लिखिदेव तापर कंप्यूटर फुल फॉर्म कंप्यूटर फुल फॉर्म जानवा बहुत ही इंपोर्टेंट कंप्यूटर फुल फॉर्म हूँ कॉमन ऑपरेटिंग मेसीन पर्पोजली यूज फॉर टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च तो कंप्यूटर फुल फॉर्म भी रख कंप्यूटर फुल फॉर्म हूँ कॉमन ऑपरेटिंग मेसीन पर्पोजली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च कंप्यूटर में सब जिनस एजुकेशन आरंभ कर सबकि तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कैरेक्टर कौन कौन रही कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन रही यहाँ भी जानवा बहुत ही इंपोर्टेंट तो सब जिनस आमको लिखापी पड़ो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक कहले कौन यटा को भी आम देखा तो कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स रे इंपोर्टेंट जिनस रही प्रथम एफिशिएंसी कंप्यूटर कौन करे कंप्यूटर डाटा को निए आ डाटा को नेला परे प्रोसेस हेबापाई टाइम लगी थे प्रोसेस हेबापाई जो टाइम नहीं थे ताकू कंप्यूटर रे कौन कहा जाए कंप्यूटर रे स्पीड ऑफ कंप्यूटर बोली कहा जाए कंप्यूटर डाटा को नहीं थे ताकू प्रोसेस हेबापाई जो समय लगी थे टाइम नहीं थे ताकू स्पीड ऑफ कंप्यूटर कहा जाए
कंप्यूटर रो स्पीड को कौथी मपा जाए क्वेश्चन पचार स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर व्हिच इन व्हिच पचार द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन व्हिच तो कौथे मपा दी थे MIPS रे मपा दी थे MIPS तो MIPS रो फुल फॉर्म पचार मिलियंस इंच पर सेकेंड MIPS रो फुल फॉर्म होची मिलियंस इंच पर सेकेंड तो यहाँ कौन आसीज तो एफिशिएंसी एफिशिएंसी गोटे कौन अटे कंप्यूटर रो कैरेक्टरिस्टिक गोटे तेणुक एफिशिएंसी हूँ गोटे कंप्यूटर रो कैरेक्टरिस्टिक तो यठार इंग्राजी रे जदि कह द टाइम टेक टू प्रोसेस डाटा बाय कंप्यूटर इज कॉल स्पीड ऑफ कंप्यूटर द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर इन MIPS बाय मिलियंस इंच पर सेकेंड तापर स्पीड रही कंप्यूटर स्पीड हूँ फास्ट हाई स्पीड बहुत सारा बहुत ही कम समय रे बहुत जिनस फास्ट काम करें कंप्यूटर स्पीड हाई स्पीड रही पूरा फास्ट टू अचीव द नीड ऑफ ह्यूमन विथिन ए शॉर्ट स्पान ऑफ टाइम बहुत ही कम समय रे फास्ट काम करें जदि आम देख बहुत ही फास्ट काम करें तेणुक स्पीड हूँ गोटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक अटे तापर एक्यूरेसी एक्यूरेसी कंप्यूटर एक्यूरेसी जदि आम देखा पूरा 100% सठिक काम करें कंप्यूटर तो 100% सठिक भाव काम करें तेणुक एक्यूरेसी हूँ गोटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक अटे तापर डिलीजेंस डिलीजेंस भी गोटे कौन अटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक अटे कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी ब्रेक एंड क्रिएटिंग एरर बिना कौन सी ब्रेक न लेकिन कौन सी भूल तैयारी न करके कंप्यूटर सठिक भाव में घंटा घंटा काम करें तो डिलीजेंस हूँ गोटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक अटे कंप्यूटर कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट एनी ब्रेक एंड क्रिएटिंग एरर्स तापर वर्सटिलिटी वर्सटिलिटी हूँ गोटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक अटे जदि आम देखा वी कैन यूज कंप्यूटर टू परफॉर्म कंप्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम टाइम गोटे समय रे कंप्यूटर विभिन्न प्रकार काम कोई पारी थाए विभिन्न प्रकार काम कोई थाए डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क एट द सेम टाइम तो वर्सटिलिटी हूँ गोटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक गोटे कहीं गोटे समय रे बहुत सारा काम करी पारी थाए तापर स्टोरेज कैपासीटी कंप्यूटर स्टोरेज कैपासीटी रही जहाँ भी काम कराऊटा गोटे फॉर्मेट रे रही जाए डाटा गुड़िक गोटे फॉर्मेट रे रही जाए तो कंप्यूटर गोटे स्टोरेज भी रही डाटा को स्टोर करके रखा जाए तो स्टोरेज कैपासीटी हूँ गोटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक अटे कंप्यूटर कैन स्टोर मास स्टोरेज ऑफ डाटा विथ एप्रोप्रिएट फॉर्मेट तापर रिलायबिलिटी रिलायबिलिटी हूँ गोटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक अटे तो कंप्यूटर द कंप्यूटर इज ए रिलायबल इलेक्ट्रोनिक मल्टीपर्पज एंड मल्टीप्रोसेसिंग मेसीन कंप्यूटर हूँ गोटे रिलायबल इलेक्ट्रोनिक मल्टीपर्पज आउ मल्टीप्रोसेसिंग मेसीन अटे डाटा को प्रोसेस करी थाए तापर हाई एक्यूरेसी बिना कौन से मिस्टेक न लेकिन इटा सठिक भाव में काम करी थाए तो रिलायबिलिटी हूँ गोटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक ठीक अच्छे रिलायबिलिटी गोटे कौन कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर प्रोसेस डाटा विथ हाई एक्यूरेसी विदाउट एनी मिस्टेक बिना कौन सी मिस्टेक न लेकिन से कौन करें प्रोसेस हो कि हाई एक्यूरेसी प्रोसेस करें रिलायबिलिटी गोटे कैरेक्टरिस्टिक पावर ऑफ रिमेम्बरिंग कंप्यूटर रे जहाँ भी कराई थे डाटा यूज कराई थे सीटा कंप्यूटर कौन करते कंप्यूटर रे रही जाए थे पावर ऑफ रिमेम्बरिंग यहाँ भी गोटे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक गोटे पावर ऑफ रिमेम्बरिंग जदि हम देखा मोबाइल फोन रे धरा जो कॉल करा गोटे जगार डायल करा तो कहा पाख को डायल करा से नंबरटा रही जाए और कते टाइम कॉल करा सीटा रही जाए तो रिमेम्बरिंग पावर ऑफ रिमेम्बरिंग हूँ गोटे कैरेक्टरिस्टिक कंप्यूटर तापर नो आईक्यू कंप्यूटर किसी भी आईक्यू ना कंप्यूटर डज नॉट वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को जदि निजे स्टार्ट
निजे स्टार्ट न कले सेटा आपे आपे चलिबो नाही। तो नो आईक्यू होची कंप्यूटर गोटे कैरेक्टरिस्टिक। कंप्यूटर किसी बुद्धि नहीं, तार नॉलेज भी नहीं, नो फीलिंग, तार एक्सपीरियंस भी नहीं कंप्यूटर। इटा मनुष्य व्यवहार कले सेटा चले आपे आपे केबे भी चलिबो नाही कंप्यूटर। तो कंप्यूटर नो आईक्यू, ताकु इंस्ट्रक्शन जदि न देबा कंप्यूटर को से चलिबो नाही। तो नो फीलिंग, कंप्यूटर किसी भावना नहीं कि किसी तार नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस किसी फीलिंग करि पारे नहीं। तापर रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई। एआई टा फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे इटा को ए टेक्नोलॉजी को व्यवहार करा वाला, इटा फिफ्थ जेनरेशन रे व्यवहार करा हिछि एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होची गोटे कंप्यूटर रो कैरेक्टरिस्टिक गोटे। द फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर व्हिच ऑर्गेनाइज वॉइस इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होची गोटे कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक जोटा कि फिफ्थ जेनरेशन रे इटा को ए टेक्नोलॉजी को व्यवहार करा वाला। तापर रहिछि फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर रो फंक्शन कोन कोन रहिछि, केते टी फंक्शन रहिछि। द फोर बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कोन कोन रहिछि, डाटा इनपुट, डाटा प्रोसेसिंग, तापर इनफॉरमेशन आउटपुट रहिछि, तापर डाटा एंड इनफॉरमेशन स्टोरेज रहिछि। ए चारि प्रकार रहिछि। तो डाटा इनपुट आ माने कंप्यूटर रे कोन देथौ, इनपुट देथौ। तो इनपुट देला पर कंप्यूटर प्रोसेस करी थे, प्रोसेस हला पर आउटपुट देथे, इनफॉरमेशन देथे, रिजल्ट देखी थे। तो इनपुट डाटा इनपुट रिसीविंग ऑफ एक्सेप्टिंग इनफॉरमेशन फ्रॉम आउटसाइड सोर्स। बाहर रो कंप्यूटर डाटा को रिसीव करे, एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करी साला पर से प्रोसेस होई थे। तो सम ऑफ इनपुट डिवाइस आर माउस, माउस ही गला, तापर कीबोर्ड ही गला। कीबोर्ड रे टाइप करी कि हमें इनपुट दे थौ, तापर माउस रे क्लिक करी कि हमें इनपुट दे थौ कंप्यूटर रे। तापर जॉयस्टिक ही गला, माइक्रोफोन रे कथा होई कि हमें इनपुट दे थौ। तापर स्कैनर रे स्कैन करी कि इनपुट दे थौ। तापर लाइट पेन ही गला, इटा को इनपुट डिवाइस को हाजे। तापर डाटा प्रोसेसिंग रही छे, डाटा प्रोसेसिंग द प्रोसेस इज डन बाय कंप्यूटर प्रोसेसर। कंप्यूटर रे जहा जे प्रोसेस करे ठीक अछि ताकु कोन कहा जे, जहा द्वारा प्रोसेस होइथे कंप्यूटर ताकु कोन कहा जे। द प्रोसेसिंग इज डन बाय द कंप्यूटर प्रोसेसर। प्रोसेसिंग जहा द्वारा होइथे ताकु कोन कहा जे, कंप्यूटर प्रोसेसर बोली कहा जाइथे। प्रोसेसिंग जहा द्वारा होइथे ताकु कोन कहा जे, कंप्यूटर प्रोसेसर कहा जे। द टर्म प्रोसेसर जनरली रिप्लेस द टर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसर को आउ कौन कहा जाए, सीपीयू कहा जाए। कौन कहा जाए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू रो फुल फॉर्म हूँ पचार क्वेश्चन, सीपीयू रो फुल फॉर्म कौन, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द प्रोसेसर इज ए पर्सनल कंप्यूटर और एम्बेडेड इन स्मॉल डिवाइस इज ऑफन कॉल्ड ए माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू रे गोटे छोटो डिवाइस थाए, स्मॉल डिवाइस, ताकू कौन कहा जाए क्वेश्चन पचार। द प्रोसेसर इज ए द प्रोसेसर इन ए पर्सनल कंप्यूटर और एम्बेडेड इन स्मॉल डिवाइस इज ऑफन ताकू कौन कहा जाए, सीपीयू भीतर गोटे बहुत ही छोटो डिवाइस थाए ताकू माइक्रो प्रोसेसर बोली कहा जाए। तापर इनफॉरमेशन आउटपुट, द आउटपुट ऑफ ए कंप्यूटर इज डन बाय आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर रु जहा बाहरे बा रिजल्ट जहा भी देखाए कंप्यूटर ताकू कौन कहा जाए, ताकू आउटपुट डिवाइस कहा जाए। An output device is an device used to send data from a computer to another device or user. User data को दे थे computer रे। तो computer कौन कोई थे, से process करके data output आकारे दे थे से result। ताकु कौन को हाजे, computer जहाँ बाहरी थे ताकु output device कोई था। जैसे कि speaker, speaker टा output device होते, sound बाहरी थे computer। तो speaker है जब output device, एलसीडी मॉनिटर हेला, प्रिंटर प्रिंट होइके बाहरे बाहर को बाहर थे। तो इटा को कौन कहा जाए, आउटपुट डिवाइस कहा जाए। तापर डाटा एंड इनफॉरमेशन स्टोरेज, द स्टोरेज इज डन बाय ए स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज जहाँ द्वारा स्टोर होइके रही थे ताकू कौन कहा जाए, स्टोरेज डिवाइस कहा जाए। ए स्टोरेज डिवाइस इज एनी कंप्यूटिंग हार्डवेयर दैट इज यूज फॉर स्टोरिंग, पॉइंटिंग, पोर्टिंग,
स्टोरिंग पोर्टिंग एक्सट्रैक्टिंग डाटा फाइल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। तो कंप्यूटर स्टोरेज डिवाइस रे गोटे स्टोरेज डिवाइस रे जे कोनोसी भी कंप्यूटिंग हार्डवेयर जदि हम देखिबा स्टोरिंग हे गला पोर्टिंग हे गला तापर एक्सट्रैक्टिंग हे गला डाटा फाइल्स और ऑब्जेक्ट ई गुड़ी को व्यवहार होई थे कोथरे होई थे गोटे स्टोरेज डिवाइस रे इटा व्यवहार होई थे पोर्टिंग हे गला तापर स्टोरिंग हे गला एक्सट्रैक्टिंग डाटा फाइल्स हे गला इटा व्यवहार कोथरे होई थे इटा स्टोरेज डिवाइस रे ई गुड़ी को व्यवहार होई थे स्टोरेज डिवाइस रे। तो इट कैन होल्ड एंड स्टोर इनफॉरमेशन बोथ टेम्पोरारी इन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस परमानेंटली इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस व्हिच कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू कंप्यूटर। तो कंप्यूटर रे जो स्टोरेज होइकी रही थाए टेम्पोरारी भाव रे प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस रे इटा रही थाए आ परमानेंटली सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस रे इटा रही थाए। तो आ कोन कोन रही थाए आ जदि हम देखिबा इंटरनल आउ एक्सटर्नल स्टोरेज रही इंटरनल एक्सटर्नल जोटा बाहर लगे था एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड गुड़िक रही। तो दुईटा स्टोरेज रही गोटे प्राइमरी स्टोरेज आ गोटे सेकेंडरी स्टोरेज। तो एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कौन कौन कौठे आम कंप्यूटर को यूज करईटा को एप्लीकेशन बोली कह जाए कंप्यूटर एप्लीकेशन कौठे आम कंप्यूटर को व्यवहार करवेर कंप्यूटर इज यूज। तो नंबर वन रही टेली कम्युनिकेशन एंड मेनी मोर। तो जोगाजोग करने पाई आउ बहुत सारा रही कंप्यूटर तो यहाँ कौन हो टेली कम्युनिकेशन एंड मेनी मोर यहाँ हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तापर एजुकेशन भी गोटे कंप्यूटर एप्लीकेशन अटे कहीं जदि हम देखा एजुकेशन रे कंप्यूटर बेस्ड रे एजुकेशन बहुत सारा इनवल्व करा बहुत सारा वेरियस टूल प्रोवाइड करा कंटिन्यूस इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग करा डिलीवरी एजुकेशन भी करा बहुत सारा कंप्यूटर द्वारा डिलीवरी करा बुक गुड़ाक ऑनलाइन रे पठा हो। तो इटा हो पारुछि ऑनलाइन द्वारा कंप्यूटर द्वारा। तो एजुकेशन हूँ गोटे एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तापर हेल्थ केयर कंप्यूटर जदि आम देखा हॉस्पिटल रे व्यवहार करा हेल्थ केयर गोटे हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन अटे हेल्थ केयर। तो हॉस्पिटल कौन करा पेशेंट आउ मेडिसिन रो रेकॉर्ड रखापी हॉस्पिटल रे भी कंप्यूटर यूज करा पेशेंट मानकर आउ मेडिसिन गुड़िकर रेकॉर्ड रखापी हॉस्पिटल रे भी कंप्यूटर व्यवहार करा। तो हेल्थ केयर हूँ गोटे कंप्यूटर एप्लीकेशन। तापर एंटरटेनमेंट यहाँ भी गोटे कंप्यूटर एप्लीकेशन अटे ऑडियो होगा वीडियो होगा एडिटिंग एडिटिंग करा हुची। तो एडिटिंग कौन पे करा हुची एंटरटेनमेंट पे इटा एडिटिंग करा हुए। तो एंटरटेनमेंट हूँ गोटे एप्लीकेशन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तापर बैंकिंग बैंक रे सब काम कंप्यूटर रे होई थे। तो बैंकिंग हूँ गोटे कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो बैंकिंग रे कौन कौन करा जाए जदि हम देखा बैंकिंग रे कौन करा जाए कंप्यूटर रो सब काम बैंक रे होई थे सब काम बैंक रे ही होई थे बैंक रो सब काम कंप्यूटर होई थे ऑनलाइन अकाउंटिंग एंड ऑनलाइन अकाउंटिंग फैसिलिटी हेगला। तापर इनक्लूड्स जदि हम देखा चेकिंग करेन्ट बैलेन्स वर्तमान बैलेन्स के चेक करने कराए कंप्यूटर कराए। तापर आ कौन कराए डिपोजिट करने ओवरड्राफ्ट चेकिंग इंटरेस्ट चार्ज सबकि लोन सबकि बैंकिंग रे करा जाए। तो बैंकिंग हूँ गोटे कंप्यूटर एप्लीकेशन। तापर इंजीनियरिंग डिजाइन इंजीनियरिंग डिजाइन हूँ गोटे कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो कहीं कह जाए इंजीनियरिंग डिजाइन धर जाए गोटे एरिया रे गोटे एरिया रो कि गोटे एरिया रे जाइकी फोटो करिकी इमेज को आणिकी कंप्यूटर रे कौन करा हुछी डिजाइन करा हुछी कौन से जगह रे फोटो करिकी आणिकी कंप्यूटर रे डिजाइन करा हुछी। तो यहीटा को कौन कह इंजीनियरिंग डिजाइन ठीक अच्छे। तो इंजीनियरिंग डिजाइन हूँ गोटे कंप्यूटर एप्लीकेशन। तापर रही डिफेंस डिफेन्स हूँ गोटे कंप्यूटर एप्लीकेशन मॉडर्न टैंक्स होगा मिसाइल होगा मिसाइल गुड़िक कौन छड़ा जाए ये कंप्यूटर द्वारा ही छड़ा जाए। वेपन तापर वेपन तो जदि आम देखा इटा कौन गोटे अस्त्र शस्त्र बंधुक होगा बहुत सारा युद्धपाई कंप्यूटर द्वारा ही इटा कराई थे ठीक अच्छे। आउ बहुत सारा रही तो डिफेन्स हूँ गोटे कौन
कौन कंप्यूटर एप्लीकेशन मिसाइल ही गला मॉडर्न टैंक से गला वेपन से गला आहुरी बहुत सारा रही तो यही भी गोटे कौन अटे कंप्यूटर एप्लीकेशन तापर वेदर फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग पापागर पूर्वानुमान करने कौटि करुंट पूर्वानुमान पापाग सबुदिन जो पापाग रही तार पूर्वानुमान वेदर फोरकास्टिंग करा कंप्यूटर द्वारा ही इटा करा तो वेदर फोरकास्टिंग इटा भी गोटे कंप्यूटर एप्लीकेशन अटे तो ये थी कंप्यूटर एप्लीकेशन तापर कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर कंपोनेंट कौन कौन रही जदि देख कंप्यूटर कंपोनेंट दुईटा रही नॉर्मली दुईटा रही गोटे हूँ सॉफ्टवेयर आ गोटे हूँ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कहले कंप्यूटर जो जिनस को आम छुई पारा ना सॉफ्टवेयर बोली कह जाए कंप्यूटर जहाँ भी जिनस रही आम छुई पारा कीबोर्ड होगा माउस होगा मेमोरी होगा सीपीयू होगा युड़ी आम कौन कह हार्डवेयर बोली कह हार्डवेयर तो हार्डवेयर को आम छुई पारा सॉफ्टवेयर को आम छुई पारा ना ठीक अच्छे तो सॉफ्टवेयर पुणी दुई भाग विभक्त कराई दुई प्रकार रही गोटे हूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गोटे हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कौथिपाई तैयारी कराई इटा सिस्टम परी कराई जमीक एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम होगा विंडोज होगा तापर लाइनक्स होगा तापर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होगा एमती रही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इटा यूजर परा कौन कराई तैयारी कराई कौथिपाई या कराई केवल यूजर परमपाई जदि आम देखा एम एस ऑफिस एम एस वर्ड एम एस एक्सेल ब्राउजर व्हाट्सएप टेलीग्राम एप्लीकेशन गुड़िक कौथिपाई कराई आम पर यूजर परा कौन कह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहपर हार्डवेयर हार्डवेयर तो जोटा को आम छुई पारा सीपीयू माउस मेमोरी तापर कीबोर्ड आ बहुत सारा रही जोटा को आम छुई पारा कौन कह मैंने हार्डवेयर बोली कह जोटा को छुई पारा ना सॉफ्टवेयर बोली कह तापर रही सीपीयू सीपीयू रो फुल फॉर्म कौन सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू को आउ कौन कह जाए हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कह जाए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर व्हिच इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्वेश्चन पचार तो सीपीयू बा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज अल्सो नोन एज हार्ट एंड ब्रेन ऑफ कंप्यूटर करदेव तो हार्ट भी कह जाए ब्रेन भी कह जाए बिना सीपीयू रे कंप्यूटर हेब ना ठीक अच्छे तापर रही पार्ट ऑफ सीपीयू सीपीयू केतोटी पार्ट रही है मेनली तीन टी पार्ट रही ठीक अच्छे देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो कौन कौन रही गोटे मेमोरी यूनिट रही स्टोरेज यूनिट रही है जोटा कि राम भी कहुई थे कौन कह राम तापर सीयू रही कंट्रोल यूनिट रही एएलयू बा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रही तो मेमोरी यूनिट कौन कह राम कह मेमोरी यूनिट इट इज कॉल्ड रैंडम एक्सेस मेमोरी राम रो फुल फॉर्म पचार आरएएम राम रो फुल फॉर्म कौन रैंडम एक्सेस मेमोरी करदेव तापर कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर जितकी भी काम हो सब को कंट्रोल किए कंट्रोल यूनिट सब को कंट्रोल सीयू कंट्रोल किए सीयू कंट्रोल यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर लाइक इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेस कंप्यूटर रे आम इनपुट दे था इनपुट नेबा तापर प्रोसेस करवा स्टोर हेबा स्टोरेज स्टोर होकर रहा आउटपुट इनफर्मेसन देवा ये जो होटा को कंट्रोल करे रखी थाए सब सब पार्ट को कंप्यूटर जितके भी पार्ट रही है सब पार्ट को कंट्रोल करे रखी थाए कंट्रोल यूनिट सब को कंट्रोल करें सीयू तापर रही एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ठीक अच्छे एएलयू रो फुल फॉर्म जो जगह देख सठिक उत्तर कौन कर एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट करदेव तो एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सेक्शन रे जदि आम देखा यहाँ दुईटा यूनिट रही ठीक अच्छे एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट सेक्शन इज कंप्राइज ऑफ टू यूनिट्स दे आर एरिथमेटिक सेक्शन आ गोटे लॉजिक सेक्शन एरिथमेटिक सेक्शन रे आ लॉजिक सेक्शन रे दुईटा यूनिट रही तो एरिथमेटिक यूनिट रे ई सेक्शन रे कौन व्यवहार हुई थे ए व्यवहार हुए जदि आम देखा एडिशन होगा सब्ट्राक्शन होगा मल्टीप्लिकेशन डिविजन ये काम गुड़िक एरिथमेटिक यूनिट करें लॉजिक यूनिट कौन करें सिलेक्शन करवा बाछवा कंपैरिजन करवा मैचिंग करवा मिलन करवा मार्जिन ऑफ डाटा ये काम को किए कर लॉजिक यूनिट करें तो
एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट रो काम कौन एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन सिलेक्शन कंपैरिजन मैचिंग मार्जिन ऑफ डाटा ए गुड़िकर काम होची एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ए तीन टी काम के करी थे सीपीयू करी थे ठीक अछि सीपीयू तीन टी काम तीन तीन भाग विभक्त रहिछि कोन कोन गुटे मेमोरी यूनिट तापर कंट्रोल यूनिट तापर ईएलयू एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ठीक अछि बहुत ही इंपोर्टेंट तापर जेनरेशंस ऑफ कंप्यूटर कोन जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बिठारु के पर्यंत चलिथला 1946 रु 1959 पर्यंत चलिथला फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ फर्स्ट जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को यूज कराइथला वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को व्यवहार कराइथला आ सेकंड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1959 रु 1965 पर्यंत चलिथला आ सेकंड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे ट्रांसिस्टर टेक्नोलॉजी को व्यवहार करा हेतला ठीक अछि तापर थर्ड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1965 रु 1971 पर्यंत चलिथला आ थर्ड जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे इंटीग्रेटेड सर्किट्स टेक्नोलॉजी को व्यवहार करा हेतला इथिरे ठीक अछि तापर फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 रु 1980 पर्यंत चलिथला फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर आ फोर्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर रे माइक्रो प्रोसेसर को एथिरे यूज करा हेतला ठीक अछि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एटा फोर्थ जेनरेशन रे एटा व्यवहार करा हेतला वीएलएसआई ठीक अछि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो जगह रे यार फुल फॉर्म पचारिबो वीएलएसआई ताले सटीक उत्तर कोन करिवो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तो माइक्रो प्रोसेसर जदि हम देखिबा वीएलएसआई वीएलएसआई तो वीएलएसआई रे ना गोटे सिंगल माइक्रो चिप गोटे सिंगल माइक्रो चिप रे थाउजेंड ऑफ ट्रांसिस्टर रही ठीक अच्छे एक हजार ट्रांसिस्टर रही गोटे सिंगल वीएलएसआई बा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन रे गोटे सिंगल चिप रे हजारे ट्रांसिस्टर रही ठीक अच्छे तापर फिफ्थ जेनरेशन आसीला के भी आसीला 1980 रे फिफ्थ जेनरेशन आसीला आ फिफ्थ जेनरेशन एंडिंग होई नहीं एटा शेष होई नहीं वर्तमान भी चली छि फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर तो वर्तमान को जेनरेशन चली छि कंप्यूटर रो जदी क्वेश्चन पचारिबो ताले उत्तर कोन करो फिफ्थ जेनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर्तमान भी चली छि लैपटॉप डेस्कटॉप नोटबुक सब थरे इटा फिफ्थ जेनरेशन रे ई गुडी को बहुत सारा टेक्नोलॉजी कराई छि तो फिफ्थ जेनरेशन रे कोन यूज कराई थला AI को यूज कराई थला ई टेक्नोलॉजी को यूज कराई थले AI टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी एटा फिफ्थ जेनरेशन दो इटा यूज करा हला आ UNSI टेक्नोलॉजी को भी यूज करा हला फिफ्थ जेनरेशन रे UNSI रो फुल फॉर्म होची अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ई टेक्नोलॉजी को फिफ्थ जेनरेशन रे यूज कराई थला तो वीडियो केमती लगला बर्तन पर यही रखा परवर्त समय आम इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस तापर प्राइमरी मेमोरी बा प्राइमरी स्टोरेज आउ सेकेंडरी स्टोरेज आउ जहाँ जहाँ रही सब जिनस को फुल कवरेज करवा बहुत ही इम्पोर्टेंट भिडियोटी केमती लगेगा मतामत जानव कमेंट सेक्शन में आउ लाइक आउ शेयर करने सांग मानक सेयार करने जमार भूल ना टेलीग्राम चैनल जनजी भिडियो तलपटे लिंक रही नचे कमेंट सेक्शन भी लिंक देदेवी ठीक अच्छे जनजीव सर्वप्रथमें इनफर्मेसन पाइबा चाहते तो सुबर्तन ये थैंक यू सो मच।